पावटा चौराहे पर पुलिस और एक युवक की तीखी बहस का वीडियो वायरल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं पावटा चौराहे पर और आप देख सकते हैं पुलिस की जो चेकिंग है वो लगातार जारी है। जो भी कोविड के अंदर जो है 10 बजे तक जो है इंस्ट्रक्शंस है कि 10 बजे के बाद कोई वाहन ना निकले, और इसके अलावा सुरक्षा के हिसाब से भी जो है शहर में लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, उस हिसाब से भी जो है पुलिस जो है चेकिंग कर रही है। आपने बीच में भी देखा, आज भी महामंदिर जो है थाने में जो है घिरा हुआ था और पुलिस को जो है बोला गया था BJS निवासियों ने कि वहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं, तो उसकी जो है उसके लिए जो है उन्होंने कहा था, लोग इकट्ठे हुए थे और महामंदिर थाने में बोला था कि साहब चोरियाँ लगातार हो रही हैं, तो पुलिस जो है वो लगातार जो है चेकिंग कर रही है और अभी चौराहे पे काफ़ी सख्त है। नियमों में कुछ बदलाव हुआ, पहले चौराहे पे कुछ लोगों को रोका जाता था और यहाँ पे कहते हैं, लेकिन अभी इनको बदल करके यहाँ से डाइवर्जन रोड है, इस डाइवर्जन रोड में जो है वो निकालते हैं और ये जो है कोर्ट के पिछले वाले रास्ते की तरफ जाता है, उद्यम मंदिर की साइड जाता है और वहाँ पे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं। यहाँ से ट्रैफिक आप देख सकते हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं और ये ट्रैफिक डाइवर्ट होकर के उद्यम मंदिर की तरफ जाता है, वहाँ रोक के इनको घुमा के गाड़ियों को वापस लिया जाता है, जिससे कि ये रोड पे ट्रैफिक जाम नहीं हो। और SHO प्रदीप जी जो है खुद शर्मा जो है वो खुद मौजूद हैं और ये पूरी चीज़ें जो है वो हैंडल कर रहे हैं। करीब 15 से 20 जने हैं पुलिस की टीम यहाँ तैनात है और हम आपको जो है उदय मंदिर जहाँ पे वहाँ गाड़ियों को यहाँ से डाइवर्ट कर रोका जा रहा है उनको भी जो है बताते हैं आपको। देखिए रोड का डाइवर्जन दे रखा है, जो सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है, एक बार चेक किया जा रहा है। सर ये डाइवर्जन ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है, ये जो ट्रैफिक का डाइवर्जन है सर, अभी आपने यहाँ से रूट जो है वो बंद कर रखा है और ये डाइवर्जन जो है ये बैक साइड में यहाँ पे अपने उदय मंदिर साइड लेते हैं, इसका पूरा रीज़न क्या है? डाइवर्जन नहीं है, ये जो लॉकडाउन का जो उल्लंघन कर रहे हैं 10 बजे बाद, चूँकि कोई भी आदमी बिना इमरजेंसी और उससे बाहर नहीं निकल सकता उनके काम से, तो उनको हम यहाँ रोकते हैं, पूछताछ करते हैं। रोड पर इसलिए नहीं रोकते कि यहाँ ट्रैफिक जाम और उसकी समस्या, क्योंकि पावटा चौराहे बहुत व्यस्त चौराहे है, इसलिए रोड में भीड़ नहीं हो, लोगों को परेशानी नहीं होगी, शांत रोड है, कोर्ट रात को बंद रहती है, तो यहाँ से आगे डाइवर्जन घूम के जो आ सकते हैं वापस, जो जिसको फ्री करते हैं वो घुमा के वापस। बहुत ही सुंदर व्यवस्था। देखिए आप चेकिंग जो है पूरी चले चौराहे पर और हम आपको लिए चलते हैं जो सेकंड डाइवर्जन रोड है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे भी जो है गाड़ियों को रोका गया है और देखिए पुलिस की टीम पूरी मौजूद, सभी वाहनों को जो है रोका गया है और चेक करें, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हेलो क्या कर रहे हैं, बिल है आपने तो मीसा की बात करना, आपको नंबर चलती चलती है, राम जी
लाओ नहीं यार, आरसी मंगाओ निवेदन हाँ आरसी चले कौन क्यों नहीं चले सर, कौन क्यों नहीं चले आप बता दो कि अगर नहीं चले तो मैं मान जाऊँ जी वकील है आरसी नहीं वकील हो मैं क्या डब्बा तो ग्राउंड की जरूरत कौन वकील है मैंने कह दिया गाड़ी सीज कर दूंगा तो साथ कागज मंगा लो आपको कह दिया कागज आएगा तरीका में बात करो तो मैं तरीका में बात कर रही हूँ आपने गाड़ी सीज करनी है गाड़ी सीज करो आपने ध्यान है डिजी लॉकर हूँ अगर मैं कोई फोटो दिखाऊँ तो आपसे वैलिड हो बेफालतूरी बेफजूती मत करो आप रिकॉर्डिंग चाल रही होती देखो और देखो कैमरा बहुत गजब कैमरा बहुत गजब कैमरा चलो चालन काटो मैं पेश करूंगा ठीक है मैं वकील हूँ पर आप बेफिजुल भी आप बेफिजूती मत करो आपसे सीनियर वकील है बकवास करने अरे आप कई धन्यवाद मैं बकवास कर रही है बकवास कर रहे हो ये एडवोकेट सीनियर कार से निकाल अच्छा मैं लाइसेंस दिखा दूं आप मानो हथवा दिखा नहीं देओ कागज दिया अगले तो कागज देख के मानना नहीं होता है कागज नहीं होता आपको लाइसेंस चाहिए कोर्ट में आपको लाइसेंस चाहिए इनके लाइसेंस और यो मैं दिखा रही हूं आपने लाइसेंस और आप यही साहब खड़े उनको दिखा दो वो कह देंगे छोड़ दूं आप चालान काट लो मैंने सी साहब के आदेश से चालान काट रहा हूं कह रही हूं आपने चालान काट लो आप चालान काट काट दिया मैंने तो हाथ काटो नहीं काट दिया तो फ्री करो नहीं आपने फ्री नहीं करूंगा क्यों नहीं फ्री करूंगा क्यों करो आप वीडियो बना लो क्यों वीडियो आपको बिगैर नहीं करूंगा ओरिजिनल कागज ये है कही है ये मैं ऐसी नहीं चलेगा भगवान ऑइज कह रही हूं मैं आज की तारीख में आप ये एरिस्टो कैसे नहीं चलेगा इन तारीख में एरिस्टो कैसे मत चलाओ आप लाइसेंस देखिए बहस करते हुए अभी लोग जो हैं वो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी इकट्ठा है और बहसबाजी चल रही है लोग रात को 10 बजे के बाद निकल रहे हैं और पुलिस जो है वो गाड़ियों की जो है वो कागज मांग रहे हैं चाबी दो नहीं भगवान बता दू वकालत नहीं वकालत मारे बहुत बढ़िया आपने क्यों बहुत चाहिए भगवान मशीन लेके आए दारू चेक करो यार इनका दारू चेक करो कौन है पता नहीं आपको नजर नहीं आ रही कौन आप लोग कौन नजर नहीं आ रहा आप एडवोकेट सुनो आप एडवोकेट ये नजर नहीं आ रहा मेरे कोई 19 का लाइसेंस दे मैं पास ये है कौन नजर नहीं आ रहे तुझे नहीं चालू है उदय मंदिर थाने के थानेदार है बिल्कुल है मैं आप कौन आप मैं कह रहा हूं मेरी लाइसेंस है मेरी आरसी है मैं क्या कह रहा हूं आप कौन हो मैंने क्या पूछा है मेरी लाइसेंस है मेरी आरसी है भगवान सदा की सिग्नेचर करने के लिए पास कर रहे हो वकालत आई है यहाँ इसका मेडिकल कर नहीं यार शराब पिया हुआ एक्टिंग कर रहा है आगे ऐसा काफी ज्यादा काफी सारा जो है वो बहस चल रही है और इसके दौरान आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो सख्त हुई है और पब्लिक जो है रिवर्ट कर रही है यानी रात्रि को ड्यूटी देते समय भी जो है पब्लिक 10 बजे बाद में अलाउ नहीं है और पुलिस की सख्ती है वाहनों को चेक कर रहे हैं उनकी जो है लाइसेंस से लेकर सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक किया रहे हैं क्योंकि चोरियों की वारदातें और घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं देखिए एक चलान बुक यहाँ पड़ी है भाई साहब के हाथ में दूसरी चलान बुक यहाँ पे है और तीसरी चलान बुक इधर है क्या वो इशू किया हुआ आपका अरे यार ऑनलाइन आरसी दिखा रहे हैं वो मान नहीं रहे बोले ओरिजिनल लाओ ये किसने कह दिया कि वैलिड नहीं है अरे क्या लो क्या हुआ था इशू क्या था व्हाट वाज द इशू कुछ नहीं है साहब कि डीजी जो आपने एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट ने कारी
की कर रखी है ना, हाँ, उसमें भी हम अपने आरसी और लाइसेंस दिखा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं वो वैलिड नहीं है। डीजल जो आरसी है, आरसी और आरसी जो वैलिड नहीं है वो कह रहे हैं वैलिड। ये कह रहे ओरिजिनल लाओ नहीं तो छोड़ेंगे, नहीं तो आप घर जाओ। अरे आप फोटोग्राफी नहीं है, आगे देख रही है आप? हां यानी कि ये अपना भाई है। हां बिल्कुल भाई है, कोई बात नहीं, भाई तो है। ये रही मुझे हमारी रूटी। अरे मैं कहता क्या गाड़ी आ सकते हैं गाड़ी अभी आप ये नहीं फोन लगा आपका है। ठीक है सर, आप कागजात कोर्ट में पेश कर दो, कागजात कोर्ट में पेश कर दो। हाँ आप डिटेन गड़बड़ी कटे जरूरत होगी क्या कर दी गाड़ी का कागजा नहीं तो कटी दी होगी। हट नंबर क्या है? 6511 यार। नहीं मैं तो थोड़ा सा आ गया, आ गया काम कर दो ना। हाँ रात को जैसे 10 बजे का बोल रखा है उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। लोग आजकल मानते नहीं, हम संदेश करते हैं, लोग जिद करते हैं, घूमते हैं, हम लोगों को रोकते हैं, आज सरकारी नियम है भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन से 10 बजे के बाद नहीं निकलना। और अभी देखो अभी 11 बजे और अभी भी लोग निकल रहे हैं। अरे सदाराम जी आप तो कम खाओ। गाड़ी नहीं चला रहा है कौन तू? गाड़ी ड्राइवर नहीं है, गाड़ी नहीं चला रहा है कौन तू? व्हाट इज दिस कौड़ी? मैं मेरे से बकवास की थी, मैंने गाड़ी कानूनी कार्रवाई कर दी। अगले मुझे कानून से कर दी। ये है कौन? अरे सर ये कह रहा मैं ड्राइवर नहीं हूँ। अरे ये ड्राइवर गाड़ी इसकी नहीं है, ड्राइवर कौन है ये बीच में? इसकी गाड़ी है, मेरी ड्यूटी, मैं रिपोर्ट और कराऊंगा, बुक में दर्ज कराऊंगा इसकी। अरे ये लोग कागज दे तो पकड़ो, आप कितने टाइम कर रहे हो? कर रहे हैं 1 घंटे से बात करो, मेडिकल कर इसका गाड़ी कितने देर से आगे लेट तक अभी बता दूँ इसको वहाँ कल हफ्ते से कानून मुझे आता है तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? यार शर्म आती नहीं, तुम पढ़ाई करते हो क्या? अरे हम मेरे को पूरी अरे पढ़ने वाला है क्या? अनपढ़ है, पढ़ लिखे वो क्या कर रहा था? तो वीडियो पढ़ा हुआ है पूरे सरकार की नौकरी करता हूँ। 10 बजे बाद में नियम नहीं है निकलने के, दारू क्या हुआ? शराब पी के नाटक कर रहा है, कानून नहीं कर रहे घोटाल वकील। यदि बताया जा रहा है कि ड्रिंक किए हुए हैं और पुलिस अब जो है गाड़ी जब्त कर रही है और लेके जा रहे हैं। हेलो गाड़ी खाने लो इसको। देखिए पुलिस को कितना सामना करना पड़ता है, रात्रि के 10 बजे रात को 10 बजे जो है देखिए पुलिस को कितना रात को जो है वो देखना पड़ता है सरकार के नियमों की पालना करने में जो है। इसको रास्ता हाईकोर्ट बताता हूँ, तू जान रास्ता हाईकोर्ट कैसे जाते हैं वो भी बता देता हूँ। चल सुन
क्या हुआ था, इश्यू क्या था, एक बार बताना क्या हुआ था। मैंने गाड़ी इनकी कागज नहीं थे, लॉकडाउन के उल्लंघन में डिटेन कर दी। ठीक है, ये भाई राम पता नहीं कौन है, बार बार आ रहे, आप ऐसे कैसे कर सकते। ड्रिंक ही हुई अब खाने जा रहे हैं, इसका चेकिंग करेंगे क्या है, चेक करेंगे। हाँ, ये पुलिस अलूरा का एक घंटा हो गया, बदतमीज कर रहा है। मैं नेक साहब का आदमी हूँ। अच्छा, और मैं हाईकोर्ट वकील हूँ। हाँ, तो हमारे मुंशी चला कर, तो मुंशी किसान ये बदतमीज कर रहा है। हाँ, चश्मा तोड़ दिया, अभी हम चेक करेंगे कि इसको शराब की आग नहीं किया हुआ ऐसा लग रहा है, माना है। तो रात को 10 बजे के बाद में आपको चेकिंग के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, आप लोगों को समझाते हो? जनता को समझा, जनता आजकल क्या है कि वो मानती नहीं है कि आप कोई हॉस्पिटल बताते हैं, कोई कोर्ट बताते हैं। हाँ, फिर हमको उनको अभी रात को 10 बजे के बाद निकलना मना है, सरकार के आदेश है, सरकारी आदेश है। 9 बजे बाद मना है। हाँ, फिर भी लोग आते हैं, संदेश करते हैं, उसको समझाते हैं, मानते नहीं। देखिए, अभी आपने घटनाक्रम देखा, घटनाक्रम देखा जिसमें जो है पुलिस जो है वो चालान बना रही थी, और अभी जो है उनको उनकी गाड़ी सीज कर दी गई। काफ़ी बहस हुई और उस बहस के बाद जो है उनको जो अभी थाने भेजा गया है। बताया जा रहा है शायद ड्रिंक किए हुए हैं, अभी चेकिंग होगी तो मालूम पड़ेगा। हम आपको थाने भी ले चलते हैं, वहाँ जो भी इशू चल रहा है वो दिखाएंगे। बहस जो है वो लगातार जारी है, दोनों पक्ष हैं। एक तरफ तो लोग हैं जो रात को 10 बजे जो भी गाइडलाइंस है सरकार की, उसकी गाइडलाइंस के बावजूद जो है वो निकल रहे हैं, और पुलिस जो है अपनी जगह कार्रवाई कर रही है, चेकिंग कर रही है। और मगर कई बार ये जो डिस्कशन होते हैं वो काफ़ी हॉट हो जाते हैं, और जो प्यार मोहब्बत से बात हो सकती है वो शायद लड़ाई तक या गाली गलौज तक चली जाती है। और जिसमें जो है सरकारी ड्यूटी करती पुलिस अफसर जो अपनी सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, मगर जनता को भी उनको कोऑपरेट करना चाहिए। जैसा कि थानाधिकारी जो है वो प्रदीप शर्मा जो है उन्होंने बताया था कि अभी भी वो जो है लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आप लोग जो हैं जनता से कोऑपरेट करके चलें और कोई भी दिक्कत नहीं हो, मगर कई बार जनता भी सहयोग नहीं करती और कई बार जो है वो सामने हो जाती है। तो एक तरफ जनता जो है उनके अपने जो है दर्द है या बयान है कि हम काम से निकले थे, किसी पर्सनल रीज़न के कारण निकले थे, और एक तरफ जो है पुलिस कहती है हमें नियमों की पालना के लिए आगे से जो है या ऊपर से जो है आदेश आए, उन आदेशों की पालना करने, क्योंकि लगातार क्राइम बढ़ रहा है और सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से जो उनको चलना पड़ता है कि कोई लोग बाहर ना निकलेंगे, क्योंकि संक्रमण का दौर इतना ज़्यादा है कि जो है रेगुलर बेसिस पे पुलिस को ड्यूटी करनी पड़ती है। अभी हम आपको थाने ले चलते हैं, जो भी घटना करूँ वो आगे का वहां बता दें। अभी हम लाइव से आउट हो रहे हैं क्योंकि मुझे मोटरसाइकिल ड्राइव करनी है, और मोबाइल चलाते समय ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। वापस मैं आता हूँ, थाने जाके वापस आ रहा हूँ, वापस लाइव में आ रहा हूँ, ठीक है ना। खबरों का सिलसिला यूँ जा रहेगा, आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो जैसा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान। एक निवेदन है जनता से भी और पुलिस महकमे से कि प्यार मोहब्बत से जितनी चीज़ें सुलझा सकें उतना बढ़िया रहेगा, और लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों भी जो है नियमों की पालना करें, सरकारी आदेश जो हैं उनकी पालना करें और पुलिस से सहयोग बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।